नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तकनीकी खामी कभी भी और कहीं भी आ सकती है। मामला कुछ यूं है कि G7 समूह के सदस्य राष्ट्र के नेताओं की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी कि अचानक इंटरनेट बंद हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन के कार्नवाल में G7 समूह के सदस्य राष्ट्र के नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर सदस्य देश के नेताओं में चर्चा चल रही थी। जब चीन को लेकर सदस्य देश समिट में चर्चा कर रहे थे, तब अचानक वहां इंटरनेट बंद हो गया। उस वक्त G7 के नेता इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कैसे उन्हें दुनिया में चीन की बढ़ती ताकत और शिनजियांग प्रांत में जबरन मजदूरी कराए जाने के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देनी है। इसी दौरान अचानक कमरे में इंटरनेट बंद हो गया। समिट में इस मुद्दे पर काफी दिलचस्प चर्चा हुई और चर्चा के दौरान अलग अलग मत भी सामने आए। G7 के नेताओं ने चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए एक आधारभूत संरचना बनाने का विचार किया। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि बीजिंग में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कब चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन तेज तर्रार मुद्रा में नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे नेता इस बात को लेकर भी काफी सतर्क थे कि उनकी छवि एंटी चीन की ना बने। शनिवार को G7 के पहले सत्र के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने बाइडेन का कई मुद्दों पर व्यापक पैमाने पर समर्थन किया, तो वहीं जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन की कुछ मुद्दों पर हिचकिचाहट नजर आई। G7 के सदस्य देशों ने चीन से संबंधित मुद्दों पर एक टास्क फोर्स बनाने पर भी चर्चा की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने इस योजना का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुद को एंटी चीन ना जाहिर होने देने की कोशिश भी की। चांसलर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो किसी चीज के खिलाफ होने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए खिलाफ होने की बात है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते हुए अपने संबोधन में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने खास तौर से पीएम के इस मंत्र का उल्लेख किया और इसका मजबूत समर्थन किया। इस समिट में पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। इंटरनेट का उस समय कट जाना जब चर्चा चीन को ही लेकर चल रही हो, ये बात अपने आप में बड़ी ही हैरान करने वाली थी। हालांकि इसके पीछे अभी तक टेक्निकल परेशानी की ही बात सामने आई है और तब से ये बात खबरों में बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।